मुंबई सपनों का शहर। हम सभी जानते हैं कि यहाँ लाखों लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, और अगर आप मुंबई आए हैं और हाजी अली नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हाजी अली जो कि सारे ही मजहबों की दीवारों को तोड़ता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आता है और अपनी दुआएं मांगता है। अब ऐसे में आज ट्रैवल स्पाई और मैं यानी कि आपकी रोशनी पहुंच चुके हैं हाजी अली। यहाँ पर ही आसपास हमारे बॉलीवुड के भाईजान, उनका एक फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो सबसे ज्यादा एक बहुत ही पसंदीदा उनका जो डिश है वो ग्रैब करना पसंद करते हैं। तो आज हम इस पूरे ही जगह को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको ले जाऊंगी उस रेस्टोरेंट में जहाँ हमारे बॉलीवुड के भाईजान अपनी बिरयानी ग्रैब करना पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं इस सफर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बॉलीवुड के भाईजान कहां से अपनी मन पसंदीदा बिरयानी ग्राब करते हैं, वहां मैं आपको ले जाने वाली हूं। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं कैफे नूरानी, बिल्कुल मेरे पीछे है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाजी अली इस डायरेक्शन में है, और एग्जैक्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे तो हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर है, और इन दोनों के अपोजिट आप देख सकते हैं हमारा कैफे नूरानी है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और हम ये जानेंगे कि यहाँ पे और कौन कौन से बॉलीवुड के वो सितारे हैं जो कि अपना नॉन वेज फूड ग्राब करने आते हैं, साथ ही हमारे भाईजान कौन सी बिरयानी खाते हैं और साथ ही उन्हें क्या क्या और भी पसंद है, ये भी हम अंदर जाके जानने वाले हैं। तो कम ऑन, इंतजार किस बात का है, जुम्मे का दिन है, बिरयानी तो बनती है। चलिए मेन्यू की बात करो तो यहाँ पर आपको वैरायटी में कबाब्स मिलेंगे, जहाँ अचारी कबाब और कई सारे ऐसे कबाब हैं। अगर मैं बात करूँ काली मिर्च, मुर्ग निज़ामी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ कबाब्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 400। और अगर उसके बाद बात करूँ सी फूड की तो वो भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। नॉन वेज लवर्स के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही अगर आप हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी के फैन तो यहाँ पर एक बार आना तो बिल्कुल बनता ही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तंदूरी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। चिकन टिक्का कबाब, चिकन टिक्का बिरयानी इज़ दी माइंड ब्लोइंग ऑफरेंस यहाँ पर। और मटन की भी बहुत ही अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी अगर आप मटन लवर है तो। बिरयानी में आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि ये लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही है बिरयानी की। और बहुत ही कन्वीनियंट रेट में अगर मैं बात करूँ तो वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 350-400। ये एक बहुत ही अच्छा मील बन सकता है आपके लिए। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैफे नूरानी में आकर हम यहाँ के जो फेवरेट्स हैं वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मैं आपको इस वक्त बताने वाली हूँ कि सलमान खान कैफे नूरानी में आते हैं और यहाँ का फूड उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही अगर बात करूँ संजय दत्त की तो वो भी यहाँ पर आने के लिए जाने जाते हैं। और बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे हस्ती हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ का नॉन वेज फूड को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वक्त मैं चार फूड है मेरे सामने जिसको मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो ये है मुर्ग निज़ामी कबाब, ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो ये है चिकन टिक्का बिरयानी, ये भी मुझे बहुत ही लजीज दिख रहा है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूँ तो ये सलमान खान की फेवरेट डिश में से एक है जो यहाँ पर वो आते हैं ग्रैब करने के लिए। खुद आते हैं या नहीं वो जाकर हम पता करेंगे, लेकिन वो यहाँ से ये फूड ग्रैब करते हैं इसका पूरी तरह से बस है, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन हम ज़रूर बात करके क्लैरिफाई करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिश, अगर इसकी बात करूँ तो ये है चिकन अचारी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस दिख रहा है मुझे, एंड आई कांट वेट टू स्वैलो दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये है काली मिर्च कबाब, सो ये भी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे और इसके टेस्ट को भी मैं आपको बताऊंगी ये कितना लजीज बना हुआ है। सो आइए चलते हैं और ग्रैब करते हैं इन चारों ही मील में से, और मैं आपको बताती हूँ कि कितना टेस्टी लग रहा है मुझे ये। This is heaven.
जैसा लगता है मेरे तीनों ही कबाब में कॉम्पिटिशन लगेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा टेस्टी है। कि तीनों ही कबाब्स में कंपटीशन लगना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा टेस्टी है। एंड प्रिटी मच बिल्कुल वैसा ही है। यू आर कमिंग हियर, प्लीज़ डोंट रिजिस्ट हैविंग कबाब्स। निज़ामी कबाब, अचारी कबाब, काली मिर्च कबाब, तीनों ही माइंड ब्लोइंग है। परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस। एंड आई थिंक इसीलिए बॉलीवुड के सारे ही सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आते हैं और ये ऑथेंटिक टेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सो आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल दिस, अंटिल देन यू कीप वॉचिंग। सो इस वक्त हमारे साथ है कैफे नूरानी के मैनेजर सलीम भाईजान। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं या फिर उनके नाम से ऑर्डर आते हैं और क्या वो ग्राब करना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। सलीम भाईजान, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाय में। थैंक यू। सो पहले सबसे आप मुझे ये बताइए कि कैफे नूरानी किस तरह से इस्टेब्लिश हुई और इतना नाम इतना फेम कैसे हुआ? 1984 में मिस्टर फरीद अब्दुल लतीफ़ नूरानी, जो यहाँ के मैनेजर हैं, ओनर हैं, उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया। पहले एक पार्ट में था, नॉन एसी का एक सेक्शन, बाद में ये इसी सेक्शन भी हो गया। बाद में हमारे डिलीवरीज वगैरह बढ़ते गए, सभी चीज़ सेलिब्रिटीज़ आते गए, लोगों को यहाँ का फूड पसंद आने लग गया। टेस्ट वाइज टिक्का बिरयानी वगैरह हमारी फेमस हुई, बटर चिकन है, चिकन टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का रोल है, ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा बात है कि यहाँ के जो बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, क्योंकि ये राइट हाजी अली के बिल्कुल बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा बस है। सो आप, मैं इस वक्त आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि मुझे बताइए कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आते हैं। देखिए, पहले तो ये नहीं ये था कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो सलमान खान काफ़ी आते थे, सलमान खान आते थे, संजय दत्त आते थे। अभी उन लोगों का आना कम हो गया, बट सलमान खान के वहाँ साहब के वहाँ पर डिलीवरी जाती है गैलेक्सी अपार्टमेंट में, अब भी वहाँ पर जाती है। और अभी रेगुलर कस्टमर विवेक ओबेरॉय हैं, रजा मुरा साहब है, बोमन ईरानी है, क्रिकेटर में सुनील, ये विनोद कांबली जी हैं, विनोद कांबली, अजीत अगरकर, ये सब हमारे यहाँ के अक्सर रेगुलर कस्टमर्स हैं। जी। सो अगर बात करूँ इनके मेन्यू के बारे में, तो क्या क्या इन्हें खाना पसंद होता है, किस तरह का मेन्यू या किस तरह का ऑर्डर आपके यहाँ से जाता है? देखिए, सलमान खान साहब के यहाँ जो जाता है तो मोस्टली उनके यहाँ चिकन टिक्का बिरयानी जाती है। संजय दत्त अक्सर साहब आते थे तो उनके यहाँ चिकन टिक्का रोल उनको ज़्यादा पसंद था हमारे यहाँ का। इवन कई मरतबा पार्सल भी गया उन लोगों के पास में। और मोस्टली सलमान खान साहब के यहाँ तो चिकन टिक्का बिरयानी का ही ज़्यादा क्रेज़ है। बाकी हमारे यहाँ जो चलते हैं तो लोग अलग अलग वैराइटीज़ ट्राई करते हैं। विवेक ओबेरॉय जो है उनको चिकन बैदा रोटी, ब्रेन एग रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद है। okay. विवेक ओबेरॉय साहब को, विनोद कांबली ऑल्सो बटर चिकन और चिकन टिक्का बिरयानी के फ़ैन हैं वो यहाँ आकर। संजय दत्त साहब चिकन टिक्का रोल पर ज़्यादा उनका वो रहता था, फोकस होता था जब भी यहाँ पर आए। आशीष विद्यार्थी वगैरह है जी। तो उनके यहाँ मोस्टली लेट नाइट को आते हैं आशीष विद्यार्थी, अक्सर अपनी फैमिली के साथ में आते हैं वो। और उनको सीख कबाब ज़्यादा पसंद है, सीख कबाब के अलावा चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन बिरयानी एंड बटर चिकन वगैरह। ऑलराइट, सो मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे चिकन के जितने भी वैरायटीज हैं, कबाब, बिरयानी, जी जी जी, बहुत ही नंबर ऑफ वैरायटीज है। मैंने मेन्यू भी एक्सप्लोर किया, सो मुझे तो बहुत ऑसम लगा। बिरयानी में भी काफ़ी वैरायटीज है हमारे पास में, चिकन टिक्का बिरयानी है, रेगुलर चिकन बिरयानी है, बोनलेस चिकन बिरयानी है, चिकन तंगड़ी बिरयानी है, रेशमी तंगड़ी बिरयानी है, प्रॉन्स बिरयानी है, मटन बिरयानी है, फिश बिरयानी है, जी काफ़ी वैरायटीज है बिरयानी में, नंबर ऑफ बिरयानी उसके अंदर। हाँ, बिरयानी में भी वैरायटीज होती हैं कि रेशमी टिक्का बिरयानी जो होती है वो स्पाइसी नहीं होती। कबाब के पीसेस पहले रोस्ट करते हैं, वाइट मसाले में उसको बनाते हैं बिरयानी को। चिकन टिक्का बिरयानी होती है रेड मसाले में, जिससे चिकन टिक्का पहले ही कबाब्स बनाए जाते हैं उसके, उसके बाद में उसको ग्रेवी में होकर के ऊपर से राइस वगैरह ऐड किया जाता है। रेगुलर चिकन बिरयानी होती है, लेग पीस की बिरयानी होती है, लेग पीस पहले भुना जाता है उसको कोल पे बराबर, और हम लोग प्रॉपर जो है ट्रेडिशनल वे से वो करते हैं। वरना लोग अक्सर क्या होता है कि वहाँ बॉयल करने के बाद में उसको माइक्रोवेव में या वो किसी तरह उसको रोस्ट किया जाता है, हम लोग प्रॉपर कोल पे उसको चारकोल पे ही रोस्ट करते हैं कि उसका ओरिजिनल फ्लेवर जो है वो आ सके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये डिलीवरीज जाती है या वो भी यहाँ पर आते हैं खाते हैं, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिलता है? फीडबैक तो देखो, अब तक तो अच्छा ही आया है जी, अब तक तो अच्छा है। टेस्ट वाइज
तो हमेशा यानी कभी यानी टेस्ट वाइज में हम लोग हम क्या है क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते, चाहे जो भी बाहर के रेट्स वगैरह हमारे यानी रॉ मटेरियल्स के जो भी हों, क्वालिटी के साथ में हम नंबर वन क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। इसकी वजह से टेस्ट को मेंटेन, और हमारे जो कुक्स वगैरह भी जो है वो पुराने कुक हमारे पास में अब भी हम लोगों ने उन लोगों को अपने साथ में रखा हुआ है जो पिछले 15-20 सालों से काम करते हैं वो कुक्स। जी बिल्कुल। सो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमने कैफ़े नूरानी को एक्सप्लोर किया, यहाँ के मेन्यू को एक्सप्लोर किया, और आप भी चाहिए थे बॉलीवुड स्टार्स जो कि यहाँ पर आकर जिस तरह का मेन्यू खाना चाहते हैं उसे भी एक्सप्लोर किया। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, महालक्ष्मी और मुंबई सेंट्रल के बीच में राइट अपोजिट टू हाजी अली कैफ़े नूरानी लोकेटेड है, अपोजिट टू हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर भी है। सो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और यहाँ का नॉन वेज मेन्यू ज़रूर एक्सप्लोर करें।